नॉर्मली जो लड़के के लिए दुआ मांगेगा उसको अफलातून दूंगी। अरे थोड़ा नीचे करके पहन ना, मम्मी ने बोले कि पहले से तैयारी करो अपनी बीवी के लिए। हाँ कितना मस्त लग रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, क्या एक नंबर दिख रहा है। सो हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक और हम हैं फोकस। सो गाइस आज हम लोग एक एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ और अभी सुबह हुई है, बस हम लोग थोड़ा फ्रेश होके बस जिम ही निकल रहे थे। तो गाइस आप लोगों को ये बता दिया जाए कि कल मम्मी की बर्थडे है और मम्मी इधर आओ, पुप्पी पुप्पी ले मम्मी कल बर्थडे है। कल क्या पार्टी है? पुप्पी को पार्लर लेके जाने गए, पुप्पी बोल रहे थे मैं बाल कटाऊंगी। बाल कटाएंगे आप? अरे माँ ये सब तो हाइफा करवाने वाली आपको। मम्मी बर्थडे में कुछ चाहिए आपको? नहीं चाहिए, चलो ठीक है बच गए। चलो ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। अभी हम लोग जिम जाके आते पहले। इस घर पे तो बात हो नहीं सकती थी, तो आप लोगों को बता दे तो फिर मम्मी के लिए एक सरप्राइज रहेगा, बहुत ही अच्छा सरप्राइज सोचे है। और मम्मी के लिए मैं गिफ्ट लेने वाला हूँ, सबसे ज्यादा वही पसंद है, सोना। तो मम्मी को माओ की पसंद, मम्मी को सोना बहुत पसंद है। तो मम्मी ने बोले थे कि मतलब मेरे को हाइफा की शादी में पहनने के लिए ले लेना, तो मैंने कुछ बोला नहीं था क्योंकि मम्मी को सरप्राइज देने का था इस वजह से। तो देखते हैं मम्मी का रिएक्शन कैसा रहेगा, लेकिन जाके पहले सेलेक्ट करते, पहले थोड़ा वर्कआउट कर ले, उसके बाद जाएंगे यहाँ से सीधा सोने की दुकान। 2-3 किलो खरीद लेते हैं। मम्मी आपकी कल बर्थडे है, तो मम्मी अगर आप कल पैदा हुए नहीं रहते तो आज हम लोग यहाँ नहीं रहते। तो अभी आपको क्या शुक्रिया अदा करूँ, आपने ऐसे बच्चे पैदा किया, आपको भरोसा हुआ कभी इतना अच्छा बच्चा पैदा होगा आपका? नहीं, मैं अल्लाह से यही दुआ मांगती थी खूबसूरत बच्चे। और हम लोग निकले कैसे खूबसूरत ही? अरे वाह, आपको तो मम्मी एक बात बताओ, आपको तो पहले मतलब लड़की हुई थी लेकिन आपको लड़का चाहिए था। मगर खूबसूरत चाहिए, लड़की दे तो अल्लाह खूबसूरत दे। तो सबको खूबसूरती होती है, लड़की खूबसूरत ही दिखती है बचपन में पैदा होती है जब। ना मैं बोलती थी अगर लड़की है तो खूबसूरत दे। अच्छा सुनो, तो आपको पहला सबको लड़के हुए थे और आपको ये सिर्फ लड़की हुई थी पहली, खुद आपकी हुई थी, तो फिर आपको कैसा लग रहा था उस टाइम पे? मैं सोचती थी पहला लड़का हो जाता तो अच्छा था। क्यों? लड़के और लड़कों को संभालना पड़ता है ना, दूसरी लड़का होगा तो दोबारा। तो अच्छा एक बात बताओ कि ये आप उसके बाद आप फिर दुआ हुआ मांगने लगे, तो वो तो बताओ हमारे व्यूअर्स को कि मैं दुआ मांगती थी कि मुझे लड़का हो जाए, सबको लड़का हुआ, मेरे को लड़का नहीं हुआ, फिर मम्मी को हुआ। मैं दुआओं से गाइस दुआओं से मेरे को 2 लड़के हुए। हाँ वो चौथा वाला तो एकदम एंड वाला था, मम्मी बुला ले वो चाली वाले लोग ने भी दुआ मांगे, फिर अफलातून बोली तो और दुआ मांग रहे, अफलातून बांटूंगी तो सब दुआ मांग रहे। गाइस अफलातून ऐसा होता है कि लड़की इन लोग बचपन में तो अफलातून बांटते थे लड़के होते थे। मैं बोली जो लड़के के लिए दुआ मांगेगा उसको अफलातून दूंगी, और लड़की, सब दुआ मांग रहे। और लड़की होगी तो? लड़की होगी तो लड्डू। क्यों ऐसा लड्डू और अफलातून? क्या लड्डू कौन से वाले? मोती चूर के। अरे माँ लेकिन मम्मी आपने तो उदापी के टाइम पे भी अफलातून ही बांटे थे, इतनी खुशी हुई थी। उदा के टाइम पे भी लड्डू नहीं अफलातून बांटे थे, बता रहे थे ना आप लास्ट टाइम। तो गाइस बोलो इतनी खुशी मम्मी, अफलातून खाली मेरे टाइम पे बांटे थे मम्मी ने। मम्मी इतनी खुशी हुई आपको मेरे पैदा होने पे ना? गाइस बचपन से मम्मी को पैदा होते साथ ही मम्मी को खुश कर दिया था मैंने। मैं तो यही दुआ करती थी खूबसूरत बच्चे हुए। खूबसूरत क्या होता है, बच्चे हर बच्चे पैदा होते तो होते मुझसे आप इतना खूबसूरत हो, वाह वाह बड़े होके क्या निकलेगा तू मेरे को भी नहीं पता। गाइस हम लोग निकल गए हैं सोना लेने के लिए। हाँ बस चलते हैं, सेलेक्ट करते कौन सा अच्छा रहेगा, 2-3 केजी का उठा पाएंगे क्या नहीं पता नहीं, और फिर घर वालों को दिखाते हैं कि सबको कैसा लगेगा वो। तो चलो तो पहुंच गए हैं ज्वेलरी की दुकान पे, तो अभी बस यहाँ पे देखते हैं कौन से सेट है और मम्मी के लिए कौन सा चॉइस करते हैं हम लोग। ठीक है तो यहाँ पे दिखाते हैं आप लोगों को। तो भाई निकाल के दे दो, थोड़ा दिखाओ जरा, थोड़ा बजट के हिसाब से देखने का है निशान, थोड़ा बजट के हिसाब से, बजट बदन नहीं बजट को भी देखना पड़ेगा गाइस, इसलिए तो भी देखते हैं हम लोग। निकालो भाई कोई अच्छे सेट निकालो, यानी ऐसे दिखने में थोड़े बड़े ही रहे और अच्छे रहे, निकालो जरा ऐसे सेट दिखाओ जो दिखने में बहुत बड़े दिखे और वेट में एकदम कम। ये देखो ये
10 ग्राम ये माशाल्लाह अच्छा दिख रहा है। ये पेन के लिए निशान जरा निकाल के गले में डाल। तेरा वजन मम्मी का वजन नहीं, तू थोड़ा दुबला है मम्मी से। अब थोड़ा नीचे करके पहन। अबे इतना नीचे पहन दे क्या? ये कपड़े पे डिजाइन दिख रहा है। अच्छा दिख रहा है। वाला बड़ा वाला तो बहुत बड़ा है बे। कितने तोले का भाव? 3.5 ना? 3.5 तोले का। हाँ देख निशान और वेट पे चल रहा है 54। भाई देखो जरा, दिखाओ जरा कुछ अच्छा सा। 54 मतलब याला निकाल के दिखाओ। 1.5 लाख के ऊपर पड़ेगा। हाँ 1.5 लाख के ऊपर। 1,60,000-70,000। अच्छा दिखाओ भाई। सो गाइस ये देखो, एकदम बारीक लग रहे हैं। बहुत छोटा लग रहा है, ज्यादा बारीक लग रहा है। फुफ्फी को एकदम भरा भरा चाहिए, फुफ्फी के साइज का ब्रो। हाँ ये देख, हाँ ये लग रहा है थोड़ा भारी। अच्छा दिख रहा है ना? और देख लेते डिजाइन। हाँ इसके साथ कान का कौन सा रहेगा? कान का निकाल। कान का भी, हाँ फुफ्फी को कान का भी चाहिए। भाई फुफ्फी का हार देखते देखते यार नाक की नकनी देखने लगे। वो भी जरूरी है ना, मम्मी ने बोले कि पहले से तैयारी करो अपनी बीवी के लिए, तो वही। नहीं ये वाली दुल्हन वाली नहीं है ब्रो, दूसरी वाली नहीं है। दुल्हन वाली निकालो भाई, दुल्हन वाली देख लेना। ये इधर पहनते ऊपर, कान के पास से नहीं जाते। कान पे नहीं लगाते? अच्छा दिख ब्रो है ना। और एक नकली, ये नकली है ना। इसमें सोने का बनेगा ऐसा बता रहा हूँ। हाँ अभी दुल्हन लोग का ऐसा बड़ा रहता है। हाँ बड़ा ही रहता है ऐसा, नाक पे इतना बड़ा बड़ा लगना चाहिए। अच्छा नहीं लगेगा। हाँ तो छोटा पहनते भी नहीं शादी में। इसके इसके इससे रिलेटेड कान का दिखाओ ना मुझे। ये कान क्या आ गए गाइस, मेरे को एक बात समझ में। इसके जो डिजाइन रहते हैं उसमें से ये डिजाइन मैच कैसे हो जाता है? क्योंकि कोई सा भी डिजाइन रहे वो कान का तुम लोग सब निकाल के दे दो, मैच हो जाता है। वो दिखता मैच नहीं होने का, बस सेम ही रहता है। सोने की दुकान खोलने का क्या? वो चीजें नोटिस करो। अभी एक बार पहली बार अपन अकेले आए ना, नहीं तो फिर अपन फैमिली वाले। पहली बार नहीं, बहुत बार आया अपन अकेले। इससे पहले भी गिफ्ट लेने आ गया अकेले ही था। एक और बार आ चुके हैं। एक और एक बार नहीं, बहुत बार आया। तो भाई उसके उसके हिसाब से मेरे को दिखा दो है ना, वो सेट करके ना तुम दे दो। तो हम लोग गाइस पूरा ना मतलब पूरा एकदम जो चीज हम लोग जो हाल लेंगे ना, तो वो चीज आप लोगों को थोड़ी देर में बताता हूँ। चलो बुक कर देते पहले। तो गाइस हाँ, बहुत देर के बाद हम लोग का पूरा सब कुछ डिसाइड हो गया है। हम लोग मैंने हाथ में लेके रखे हैं, तो क्या पैसा भी दे दिए गाइस, रेडी हो गया है। तो ये रहा वो सोना, तो चलो चलते हैं घर वालों को दिखाते ये कि कैसा लगा। और ये हम लोग रखेंगे दिशान लोग के घर पे, क्योंकि कल मम्मी की बर्थडे, कल जाके ये गिफ्ट देंगे। शादी के लिए ना अच्छा लगेगा उनको। तो गाइज इतनी खुशी हो रही है ना ये गोल्ड लेने के बाद। गाइज आप लोग भी अपने फैमिली वाले लोग के लिए कुछ करोगे ना, एक अलग ही खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। फिर उन लोगों का रिएक्शन देखने की इतना वो रहती ना कि उनका रिएक्शन कैसा रहेगा ये देखने के बाद कि उनको कुछ ऐसा मिलने वाला है जो उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। yes, और गाइस अगर मम्मी या बहन लोगों को कुछ गिफ्ट दे रहे तो सोने की चीज तो उन लोगों को बहुत पसंद आता है। बहुत मजा आती उन लोग, हम लोग के घर में तो ये ऐसी होता है, आपके घर में क्या होता है कमेंट करके बताओ। उन लोगों को चाहा नहीं है कि हाँ मेरे को ऐसा ही हो, ऐसा ही चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन ये है कि उन लोगों को जब देते ना तो उन लोग एक्सपेक्ट नहीं करती, अरे तूने लेकर आया मेरे लिए। ये दे सकता है सोचे। चलो ठीक है, चलो घर वाले लोग का रिएक्शन ले लेते। गाइस मामू मुमानी कुलूद और भाभी लोग सब है बायकल्ला में, क्योंकि अमन की सासू मोम जाने वाले है सऊदी वापस से, इस वजह से सब गए हुए हैं उधर। तो बस जाहिद देखो कैसा लगा? माशाल्लाह बहुत अच्छा है। किसके लिए लिया? ये है मम्मी की बर्थडे है। हाँ मस्त दिख रहा है ना। तो कौन आ रहा है अभी वहां से? अमन आ रहा है। तो अमन अमन को दिखा भाई।
कौन लिया अभी? कौन लेगा मम्मी की बर्थडे। अच्छा मम्मी की बर्थडे का ले लिया, एक नंबर दिख रहा है। मस्त ना, मेरी पसंद ऐसी होगी नहीं तो बस अभी चलते हैं, इसको ना यहीं रखवा देता हूँ, बिलाल और हाइफा को दिखवा दूंगा यहीं पर ही बाद में, है ना। तो अभी अमन तू ये ना तिजोरी में रख दे और फिर हाँ कल निकालेंगे अपन सीधा। चलो मैं चाहता हूँ मम्मी के गले में आप पहने हुए देखो तो ज्यादा आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोग को भी सरप्राइज देखना चाहिए ना। हाँ तो कल वो मम्मी को मिलने वाले सरप्राइज, कभी कल की वीडियो बनाने में हम लोग लेट हो गया, भूपी वीडियो में देख लिए तो क्या देने वाले इसके लिए हम लोग बोले कल ही देखो आप। हाँ तो गाइस बहुत समझ में आई बहुत, लेकिन अपनी वीडियो तो लेट 8 बजे अपलोड होगी, उससे पहले तो अपन सेलिब्रेट कर लेंगे लेकिन फिर भी कौन आ रहा है। हाईफाई गाइस हाईफाई का रिएक्शन लेते, तो हाईफाई देख। हाँ कितना मस्त लग रहा है। मस्त है ना, बहुत प्यारा है। हाइफा को दिखा रहे हैं, हाइफा को तो आदत हो गई है चीज की। सोने में स्विमिंग करती है वो। अच्छा है ना, मम्मी को अच्छा लगेगा? अच्छा है ना, बहुत प्यारा, मेरी पसंद पसंद। गाइस आप लोग ने नोटिस तो कर ही लियो, लोग सबको पता है कि इसकी पसंद ऐसी हो नहीं सकती है और आप लोगों को पता है कि मैंने पसंद किया। तो भाई छोड़ो ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, करते हैं मरकत, इसीलिए लोग हमें कहते हैं फोकस। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना।